सो गाइज वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज आज का मेन टॉपिक है बोनस मार्क्स रिलीज्ड, क्या सबको मिलेंगे ये बोनस मार्क्स। सो गाइज इसका आंसर है हाँ या ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सबको मार्क्स मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जिसने करेक्ट आंसर टिक किया उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। सो गाइज ये अभी 30 मई को रिलीज हुई है ये इंपॉर्टेंट नोटिस बाय सीईटी सेल ऑफिशियली। तो उन्होंने बताया कि कितने बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पीसीएम और पीसीबी मिला के ग्रांड टोटल ऑफ ऑब्जेक्शन 450, मतलब 450 लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है, जिसमें फिजिक्स में 199 ऑब्जेक्शन रेज हुए, केमिस्ट्री में 112 ऑब्जेक्शन रेज हुए, मैथमेटिक्स में 120 ऑब्जेक्शन रेज हुए, बायोलॉजी में 19 ऑब्जेक्शन रेज हुए। ऐसे टोटल 450 को ऑब्जेक्शन रेज हुए, जिसमें से ग्रांड टोटल ऑफ द क्वेश्चन आईडी रिजॉल्व, कितने क्वेश्चन सीईटी सेल ने रिजॉल्व किए, उन्होंने 34 क्वेश्चन रिजॉल्व किए, मतलब 34 क्वेश्चंस में चेंजेस है आंसर की में, ये बात याद रखना। फिजिक्स में 13 में चेंज है, केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चंस में चेंज है, मैथमेटिक्स में 11 क्वेश्चंस में चेंज है, बायोलॉजी में 4 क्वेश्चंस में चेंज है। अभी हम देख लेते हैं शिफ्ट वाइज कि कौन से क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में आप देखो डेट दी है, मैं 9th में शिफ्ट दिया है मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है फिजिक्स, उसमें क्या है चेंज इन आंसर की। अभी चेंज इन आंसर की का मतलब क्या है, सीईटी सेल ने गलती से करेक्ट रॉन्ग आंसर को करेक्ट आंसर आंसर की में अपलोड कर दिया था, जो उनको नहीं करना था, उनकी मिस्टेक थी है, फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो सीईटी ने आंसर की थोड़ी बहुत चेंज की है, आंसर की में करेक्ट आंसर जो होता है उसको चेंज कर दिया है। तो जिसने वो करेक्ट आंसर टिक किया होगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, और जिसने नहीं किया होगा उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो चेंज इन आंसर की का मतलब है सबको मार्क्स नहीं मिलने वाले, जिसने वो आंसर की में करेक्ट आंसर टिक किया होगा, जो अभी नई आंसर की रिलीज हुई है जिसमें चेंजेस है उसमें जो आंसर करेक्ट आंसर है उसको टिक किया होगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। बाकी आप नीचे जाओगे, नीचे आपको कुछ क्वेश्चन में दिखा फुल मार्क्स। फुल मार्क्स का मतलब क्या है, वहाँ पे सीईटी सेल ने मेंशन भी करके रखा है एक्शन टेकन रॉन्ग डायग्राम, सीईटी सेल से गलती से रॉन्ग डायग्राम डाल दिया था क्वेश्चन में, तो उसकी वजह से आप सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स का मतलब सब बच्चे उस शिफ्ट में जितने ही बच्चे थे सबको एक एक मार्क्स मिल जाएगा, सो वो होता है फुल मार्क्स। बाकी आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में याद रखना +2 करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में +1 करना। सो गाइस यहाँ पे पूरा चीज़ें अपलोडेड है, टोटल 34 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आईडी के साथ मेंशन है, डेट के साथ मेंशन है, टाइम के साथ मेंशन है, शिफ्ट वाइज आप ये सब देख सकते हो। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, सो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो और एनालाइज करो कि आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। बस एक चीज़ है, फुल मार्क्स सबको मिलेंगे चेंज इन आंसर की में, जिसने करेक्ट आंसर टिक किया होगा उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं। सो गाइज यही था आज का वीडियो, बाकी फटाफट जाके कैलकुलेट करो कि अभी आप सबके फाइनल मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटाइल पे हम अपना कॉलेज के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। बाकी ये पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे बहुत टाइम पहले ही शेयर कर दी थी, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होता तो आपको ये पीडीएफ मिल जाती। सो गाइज ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, सो वहाँ से तुरंत जाओ और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट ज्वाइन करके रखो। बाकी चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, क्योंकि इस चैनल पर सब कुछ आता है एमएचटी सीटी के रिगार्डिंग, अभी कॉलेज रिव्यूज भी आने वाले और ब्रांच रिव्यूज भी आने वाले, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।